चलो अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेल साइकिल या फिर सेल डिवीजन का। तो जनरली यहाँ पे मैंने हेडिंग क्या लिखा है, सेल साइकिल, या फिर मैंने हेडिंग लिखा है सेल डिवीजन। तो ये दोनों अलग कैसे हैं? सेल डिवीजन का तो पता होता है कि सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनेगी या चार डॉटर सेल्स बनेगी, तो दिस इज सेल डिवीजन। बट सेल साइकिल क्या होता है? तो ध्यान रखना, एक सेल डिवीजन हुआ, उसके बाद में दो डॉटर सेल्स बनी, और इन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर जब नेक्स्ट सेल डिवीजन होगा तो इसके बीच के ड्यूरेशन को हम बोलते हैं सेल साइकिल। मतलब एक डिवीजन से नेक्स्ट राउंड ऑफ डिवीजन, तो ड्यूरेशन के बीच इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल इज ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन। तो दो सेल डिवीजन के बीच के ड्यूरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। तो नाउ सेल डिवीजन किसको बोलते हैं? सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन इज अ सिक्वेंशियल इवेंट बाय विच सेल डिवाइड इंटू टू डॉटर सेल्स एंड ऑल्सो रेप्लीकेट और डुप्लीकेट इट्स जीनोम, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन इट इज अ सिक्वेंशियल इवेंट, इट इज अ सिक्वेंशियल, इट इज अ सिक्वेंशियल इवेंट बाय विच सेल रेप्लीकेट इट्स जीनोम एंड कॉम्पोनेंट ऑफ सेल एंड डिवाइड इंटू टू डॉटर सेल्स। मैं इसका मीनिंग बताती हूँ, इधर देखो। ये तो हो गई किताबों की बड़ी बड़ी बातें। तो आपके पास ये क्या हो गया, दिस इज मदर सेल, एंड ये क्या है इसकी, ये हो जाएगी इसकी डॉटर सेल्स। तो अब मुझे बताओ इसमें क्या होता है, डीएनए होता है। सो आपके पास ये एक सिंगल सेल है, इस सिंगल सेल को डिवाइड करके आपको दो डॉटर सेल्स बनानी है। तो कॉमन सेंस की बात है कि इस सेल के अंदर आपको सारी चीजें वो तैयार करनी है जिससे एक पूरी न्यू सेल्स फॉर्म हो जाए। तो मतलब एक नई सेल बनाने के लिए कंप्लीट सारे मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करना होगा, ठीक है। तो मतलब उसमें नया प्रोटीन बनाना होगा नई सेल के लिए, लिपिड बनाना होगा फॉर न्यू सेल्स, सारी ऑर्गेनेल भी बनानी होगी एक नई सेल बनाने के लिए, क्लियर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कॉम्पोनेंट ऑफ सेल। अब कॉम्पोनेंट ऑफ सेल का मतलब सारी सेल ऑर्गेनेल भी होती है, उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, तो ये सारी चीजें सिंथेसाइज करनी होती है, क्लियर। और इसके अलावा ये अपनी जीनोम को भी रेप्लीकेट करेगा, जीनोम मतलब इसका डीएनए, क्लियर। तो अब ऐसा क्यों, अगर इसके पास बेटा एक अगर डीएनए है और अगर वो हाफ ऑफ अपनी डॉटर सेल्स को दे देता है, तो बताओ जब ये सेल जब नेक्स्ट राउंड ऑफ डिवीजन में जाएगी, तो अगर आपने डीएनए रेप्लिकेशन अगर नहीं किया तो इसके डॉटर सेल्स में डीएनए कितना जाएगा, 1/4। और अगर डीएनए रेप्लिकेट नहीं हुआ और एग्जिस्टिंग डीएनए को अगर आपने दो में डिवाइड करते रहे तो अब कितना हो जाएगा, 1/8। फिर इसकी डॉटर सेल्स में कितना हो जाएगा, 1/16। तो इस तरीके से तो अराउंड 50 सेल डिवीजन के बाद तो जो डॉटर सेल्स बनेगी उसमें तो डीएनए बचेगा ही नहीं। बट ऐसा नहीं होता है। तो ये जो डीएनए होता है ये डीएनए पहले
रेप्लीकेट होगा, तो रेप्लीकेट होने से इसकी कितनी कॉपी बन जाएगी, इसकी दो कॉपी बन जाएगी, और इसकी दो कॉपी में से एक कॉपी हम लोग इस डॉटर सेल को देंगे और इस डॉटर सेल को देंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। तो अब समझ आ गया, तो इट इज सिक्वेंशियल। अब ये सिक्वेंशियल क्यों है, सिक्वेंशियल का मतलब होता है G1 फेज, S फेज, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। तो दिस इज सिक्वेंशियल इवेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ सिक्वेंशियल इवेंट बाय विच सेल रेप्लिकेट इट्स जीनोम एंड कॉम्पोनेंट एंड डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। क्लियर हो गया? एक सेकेंड रुक जाओ तुम लोग, फिर से चलो। तो ये क्लियर हो गया। नाउ उसके बाद देखो, सेल डिवीजन जो होता है इसके अंदर बहुत सारे फेजेस होते हैं, और आपको बिल्कुल भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन मत लो, ठीक है, इधर आ जाओ। तो एक हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, थोड़ा यूज करते हैं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, अब आपके पास ये एक सेल है और इस सेल के पास ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के पास इसके डीएनए प्रेजेंट है। अब हमें करना क्या है, हमें यूज करना है कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस को यूज करते हुए हमें यहाँ पे दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करना है। तो बताओ क्या होगा इसके अंदर। तो कॉमन सेंस की बात है कि पहले सेल को हमें डबल करना पड़ेगा। भाई डबल साइज की करोगे तभी तो वो डिवाइड होने के बाद दो इक्वल साइज की सेल बनेगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस सेल को क्या कर दिया, डबल कर दिया। फिर उसके बाद इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर देंगे हम। तो न्यूक्लियस डिवाइड होने पर यहाँ पे क्या बन गए, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर उसके बाद इसका जो साइटोप्लाज्म होगा उसको भी हम डिवाइड कर देंगे। तो उसको डिवाइड करने के बाद यहाँ पे दो डॉटर सेल्स बन जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ये बोलेंगे कि सबसे पहला फेज यहाँ पे होगा कि यहाँ पे सेल क्या करती है, यहाँ पे सेल ग्रोथ करती है। ग्रोथ करने के बाद सेल क्या करती है, न्यूक्लियर डिवीजन करती है, और न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल क्या करेगी, साइटोकाइनेसिस। तो ये सीक्वेंस हो गया पक्का। और अगर आ जाते हैं हम लोग ग्रोथ फेज पे, तो ग्रोथ फेज में एक हम पढ़ेंगे G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ठीक है। और न्यूक्लियर डिवीजन में आप सब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, कौन सा, प्री मेडिकल टेस्ट, प्री मेडिकल टेस्ट, PMT, बट आप लोग इसको याद रखना PMET, PMET, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ये सारे फेजेस किसके हो जाएंगे, न्यूक्लियर डिवीजन के। उसके बाद लास्ट आएगा साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो काइनेसिस मतलब डिवीजन, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर उसका डिवीजन, ये क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। तो एक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एनिमल सेल के अंदर सेल फरो, और एक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे प्लांट सेल्स के अंदर सेल प्लेट। एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस के दो डिफरेंट तरीके होते हैं, एक होता है सेल फरो बनती है और एक सेल प्लेट बनेगी, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगी, किसका, माइटोसिस का। तो ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है ना, ये मैंने लिखा है माइटोसिस का पक्का। अब आ जाते हैं हम लोग, नहीं इसको नोट डाउन नहीं करना है, इसको बता आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक रफ स्केच बताया है माइटोसिस का, बट सेल डिवीजन
कि माइटोसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सेल डिवीजन के टाइप्स के बारे में पहले पढ़ा देती हूँ। तो क्या मैं इस पॉइंट को मिटा सकती हूँ? चलो देखते हैं, अभी रुक जाओ। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं अब सेल डिवीजन के टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, तो यहाँ पे क्या टाइप्स हो सकते हैं? तो एक होता है माइटोसिस, एक होगा मियोसिस और एक होता है ए माइटोसिस। तो यहाँ पे तीन तरह की सेल डिवीजन होते हैं, ए माइटोसिस, फिर सेकंड होगा यहाँ पे माइटोसिस और फिर होगा थर्ड कौन सा, मियोसिस। तो ये तीन तरह के सेल डिवीजन के टाइप्स होते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ए माइटोसिस। तो आप लोग ध्यान रखना, आपको मैंने अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया होगा और उसमें मैंने बैक्टीरिया का बाइनरी फ्यूजन पढ़ाया था, तो वो जो बैक्टीरिया का बाइनरी फ्यूजन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए माइटोसिस। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे। तो हमने पढ़ा था कि ये आपके पास एक बैक्टीरियल सेल होती है और इस बैक्टीरियल सेल के अंदर यहाँ पे होता है उसका डीएनए। तो आप लोग क्या पढ़ते हो कि सबसे पहले बैक्टीरिया यहाँ पे क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। और ग्रोथ करना क्यों जरूरी है? नहीं तो जो डॉटर सेल्स बनेगी वो हाफ साइज की हो जाएगी ना, तो इसलिए ये क्या करेगा, अपना ग्रोथ करेगा। तो ग्रोथ करने के बाद क्या होगा, इसका डीएनए भी रेप्लिकेट होगा। डीएनए क्या होगा, इसका रेप्लिकेट होगा। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे टू कॉपी ऑफ डीएनए शो कर देती हूँ, यहाँ पे वन कॉपी, यहाँ पे टू कॉपी। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो इसकी सेल वॉल है वो सेल वॉल बनाएगी सेप्टा। ये सेल वॉल क्या बनाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा सेप्टा फॉर्मेशन। और सेप्टा फॉर्मेशन के बाद ये बैक्टीरिया जो है आपको दो पार्ट में डिवाइड होते हुए दिखाई दे रहा है और ये इसका डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और अब फाइनली यहाँ पे सेप्टा फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। और जब सेप्टा फॉर्मेशन, सेप्टा मतलब वॉल, तो ये जब सेप्टा फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा तो नाउ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे टू डॉटर बैक्टीरिया। तो ये मैंने आपको क्या टॉपिक पढ़ाया है, ये मैंने आपको पढ़ाया है बाइनरी फ्यूजन ऑफ बैक्टीरिया। चलो बताओ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक तो बैक्टीरिया ने क्या किया, ग्रोथ किया। दूसरा क्या किया, दूसरा इसने डीएनए का रेप्लिकेशन किया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे होता है सेप्टा फॉर्मेशन और यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीशन ऑफ सेप्टा फॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दो बैक्टीरिया डिवाइड होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि ए माइटोसिस टेक्निकली क्या है, बाइनरी फ्यूजन इन बैक्टीरिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए माइटोसिस इज अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल डिवीजन का तरीका होता है। तो इस तरीके से क्लियर हो जाता है कि माइटोसिस एंड मियोसिस, क्या बोला मैंने, माइटोसिस और मियोसिस, ये दोनों सिर्फ आपको मिलेंगे यूकैरियोट्स के अंदर। और प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या मिलता है, ए माइटोसिस। तो क्या इस तरीके से मैं ये भी बोल सकती हूँ द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ, क्या बोला मैंने, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल डिवीजन, टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज ए माइटोसिस। और ये कंपेरेटिवली क्या होंगे, दिस इज एडवांस टाइप, समझ आ गया। और इसमें सबसे एडवांस होगा कौन सा, मियोसिस, ठीक है। अगर आपको शायद कुछ याद है एंडोसिम्बायोसिस के बारे में, जहां पे आपने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया
एंड क्लोरोप्लास्ट. क्या बोला मैंने? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों होते क्या है? तो वो ओरिजिनेटेड होते कहां से? बैक्टीरिया से, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल से. तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जो डिवीजन होता है वो कौन सा होगा? ए माइटोसिस. तो इस तरीके से ए माइटोसिस आपको मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर. क्लियर? इसमें आप लोगों ने क्या नोटिस किया है कि देखो बैक्टीरिया कितना जल्दी और कितना इजीली डिवाइड हो गया. तो सबसे इजी टाइप ऑफ सेल डिवीजन कौन सा होगा? हाँ, ए माइटोसिस. इसको मैं यहां लिख देती हूं. तो ये हो जाएगा मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन. मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन. ऐसा क्यों? बिकॉज यहां पे कोई प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है ना, और कोई जी1 फेज, जी2 फेज, एस जी2 फेज वगैरह कुछ भी नहीं है. सिंपली यहां पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, सिंपली इसका डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, सिंपली इसमें सेप्टा फॉर्मेशन हो रहा है और फिर फटाक से वो डिवाइड होगी. बस. तो ये होता है बहुत ही सिंपल सिंपल. तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कौन सा? ए माइटोसिस. तो याद रखिएगा ए माइटोसिस ये कहां पे मिलता है आपको? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर. और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सिंस दोनों ही बैक्टीरिया है, कहां से ओरिजिनेट हुए थे? बैक्टीरिया से. तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जब अपना नंबर इंक्रीज करते हैं तो वो भी कैसे इंक्रीज करते हैं? बाय द ए माइटोटिक डिवीजन, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल डिवीजन, अर्थ के ऊपर सबसे पहले इवॉल्व होने वाला सेल डिवीजन का टाइप एंड द मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन. क्लियर हो गया? अब यहां पे आ जाते हैं माइटोसिस और मियोसिस के बारे में. तो माइटोसिस बताओ कहां पे होता है? मतलब मैं सेल की प्लॉयडी के बारे में बात कर रही हूं. सेल की मैं प्लॉयडी के बारे में बात कर रही हूं. मतलब डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस होता है या मियोसिस? तो काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा होगा कि जो डिप्लॉयड सेल होती है उसके अंदर तो क्या होता है? मियोसिस. बताती हूँ अभी. इधर देखो, अगर मान लो कि ये सेल कैसी है, ये सेल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है हैप्लॉयड. कैसे दिखाई दे रही है? हैप्लॉयड. और इससे जो डॉटर सेल्स बनेगी उसके अंदर भी क्रोमोसोम्स का नंबर कैसा है? हैप्लॉयड और हैप्लॉयड है. यहाँ पे देखो ये सेल कैसी है? 2n. और इससे जो डॉटर सेल्स बनेगी वो दोनों भी कैसी है? 2n और 2n. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज माइटोसिस. अगर मान लो कि ये सेल कैसी है? 3n. और जो डॉटर सेल्स बन रही है वो भी कैसी है? 3n. तो अल्टीमेटली ये भी कैसा है? माइटोसिस. तो माइटोसिस जो होता है वो सेल चाहे कोई भी हो, चाहे हैप्लॉयड हो, डिप्लॉयड हो, ट्रिप्लॉयड हो, टेट्राप्लॉयड, पेंटाप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड, कोई भी सेल हो, तो सभी सेल में क्या पॉसिबल है? सभी सेल के अंदर पॉसिबल हो सकता है क्या? माइटोसिस. क्लियर? और माइटोसिस के अंदर आपने एक चीज नोटिस की है कि यहाँ पे जो डॉटर सेल्स बनेगी, इन डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो एक्चुअली इसकी जो मदर सेल है इसके बराबर होता है. ऐसा क्यों? तो इधर आ जाओ. तो अगर मान लो कि ये सेल कैसी है, तो अगर मान लो यहां पे इसके अंदर लिख देती हूं मैं 2n, और इससे बनने वाली जो डॉटर सेल्स है वो सारी कैसी है? हैप्लॉयड, हैप्लॉयड, हैप्लॉयड. तो सेल्स यहां पे जो डॉटर सेल्स होगी उसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर इसकी मदर सेल से हाफ हो गया है. तो चाहे कोई भी डिवीजन हो जिसमें फाइनली डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर अगर मदर सेल से हाफ हो जाता है तो उसको बोला जाता है मियोसिस. और डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर अगर इक्वल रहता है अपनी मदर सेल से, लाइक इन दोनों के अंदर 3n 3n है और इसकी मदर सेल भी कैसी है? 3n है. तो ये डिवीजन कौन सा होगा?
डिवीजन माइटोसिस होगा। यहाँ पे और आ जाओ, क्या फोरेन सेल के अंदर मियोसिस हो सकता है क्या? जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे फोरेन सेल से बनने वाली जो डॉटर सेल्स है उसमें मैंने क्रोमोसोम का नंबर कितना रखा है? 2 है। तो बताओ ये मियोसिस है या माइटोसिस है? तो ये वाला हो जाएगा क्या? मियोसिस, क्योंकि डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो गया है। पर क्या मुझे बताओ कि एक जो सेल हैप्लोइड है, अब हैप्लोइड सेल जो है वो मियोसिस कर सकता है क्या? नहीं। अब क्या बेटा क्रोमोसोम को आधा आधा तोड़ोगे क्या? हाँ, तो ऐसा नहीं होता है। अब अगर मान लो कि सेल अगर 3N है, तो 3N सेल जो है वो क्रोमोसोम डिवाइड हो सकती है क्या? मैं इसका मतलब बताऊंगी आपको, चलो बता देती हूँ। 3N का मतलब होता है, पहले आपको 2N के बारे में पता होना चाहिए। तो 2N का मतलब होता है कि हमारे पास ईच एंड एवरी क्रोमोसोम हैव इट्स 2 कॉपी, इट मींस वी आर डिप्लॉयड, वी हैव 2 कॉपी ऑफ ईच एंड एवरी क्रोमोसोम, इट मींस वी आर डिप्लॉयड। तो अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमारे पास जो फर्स्ट क्रोमोसोम है उसकी कितनी कॉपी है? 2 कॉपी है। सेकेंड क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है? 2 कॉपी है। थर्ड क्रोमोसोम की भी कितनी कॉपी है? 2 कॉपी है। फोर्थ क्रोमोसोम की भी कितनी कॉपी है? 2 कॉपी है। 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 21 21 22 22 23 23। इस तरीके से हम लोग क्या हो जाते हैं? हम लोग हो जाते हैं डिप्लॉयड। अब मैडम ट्रिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? ट्रिप्लॉयड का मतलब होता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास हर एक क्रोमोसोम की 3 कॉपी हो, ओ माय गॉड, तो इसके पास 1 1 1 कितने क्रोमोसोम होंगे? 3। सेकेंड क्रोमोसोम की कितनी कॉपी होगी? 3 कॉपी। थर्ड क्रोमोसोम की भी कितनी कॉपी होगी? 3 कॉपी। फोर्थ क्रोमोसोम की कॉपी कितनी होगी? 3 कॉपी। तो अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे नंबर कैसा है? ये नंबर तो ऑड नंबर है, और जब ऑड नंबर होता है तो क्या इसके अंदर मियोसिस हो सकता है क्या? कैसे डिवाइड कैसे करोगे? चलो एक आपने इस सेल को दे दिया, एक इस सेल को दे दिया, अब बचा एक क्रोमोसोम, कौन से सेल को दोगे? अब आधा आधा तोड़ के तो नहीं दे सकते हो ना, तो इस वजह से जब भी ऑड नंबर वाली सेल होती है, क्या बोला मैंने, ऑड नंबर वाली जो सेल होती है उनके अंदर मियोसिस पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो मियोसिस इज ओनली पॉसिबल इन सेल विच हैव इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, समझ आया? और माइटोसिस कहां पे होता है? तो माइटोसिस होता है ईच एंड एवरी सेल्स के अंदर। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे काफी बच्चे मिसकॉन्सेप्ट रखते हैं अपना, ठीक है? तो इन हैप्लोइड, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड एंड पेंटाप्लॉयड एंड सो ऑन, ऑल सेल्स कैन परफॉर्म माइटोटिक डिविजन, बट ओनली सेल हैविंग इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन परफॉर्म मियोटिक डिविजन। तो वो भी कौन सी सेल? जो कैसी है? 2N है, 4N है, 6AN है, 8N है, इस तरीके से। तो 2N जो सेल है वो अगर मियोसिस में पार्टिसिपेट करेगा तो इससे जो डॉटर सेल्स बनेगी उनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर कैसा हो जाएगा? NNN। और 4N सेल जो है वो जब मियोसिस में पार्टिसिपेट करेगा तो उससे जो डॉटर सेल्स बनेगी वो कैसी हो जाएगी? 2N 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 2N। और अगर इन केस 6N सेल जो है वो जब मियोसिस में पार्टिसिपेट करती है तो इससे जो डॉटर सेल्स बनेगी वो कैसी होगी? 3N 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 3N। तो अल्टीमेटली आपको मैंने ये बताया है कि मियोसिस के अंदर जो डॉटर सेल्स बनती है उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होता है? हाफ। तो
यहां पे ध्यान रखना, एक तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम को मैं हमेशा इस तरीके से लिखूंगी, सी और उसके ऊपर सर्कल। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं एंड साइज ऑफ डॉटर सेल एंड मदर सेल कैसा होगा, एंड मदर सेल होगा ये इक्वल। ठीक है, मैं इसको आपको अगेन एक्सप्लेन करती हूं। देखो अगर ये सेल कैसी है, 2NA, इससे जो डॉटर सेल्स बन रही है उनका साइज देखो, और अगर ये वाली सेल मियोसिस कर रही है, ये जैसे 2NA, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है, ध्यान से देखो, गौर से देखो, तो आप लोग देख रहे हो कि मियोसिस के बाद में लास्ट में ये वाली जो सेल्स बनती है ये अपनी मदर सेल्स की एक तो हाफ साइज की है और दूसरा क्रोमोसोम्स का नंबर भी इसमें बहुत कम नहीं, आधा हाफ है, तो साइज भी हाफ, क्रोमोसोम्स का नंबर भी हाफ, बट माइटोसिस के अंदर इक्वल साइज इक्वल क्रोमोसोम नंबर। ये पॉइंट भी मैं यहाँ पे लिख देती हूं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड साइज ऑफ डॉटर सेल्स, साइज ऑफ डॉटर सेल एंड मदर सेल, सॉरी डॉटर सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड साइज ऑफ डॉटर सेल्स इज हाफ देन मदर सेल। इतना समझ आ गया। नाउ अब ये क्रोमोसोम्स को हाफ करने की नीड क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन समझ आया आपको, यहां पे क्रोमोसोम्स को हाफ करने की जरूरत क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम है ये, कौन है ये, हम, हमारे अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। तो मुझे एक चीज बताओ, हम कैसे बने, हम स्पर्म और एग के फ्यूजन से बने, और आपने पढ़ा था कि स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 23, और एग के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होता है, 23। बट आप लोग जानते हो कि हमारे पापा जी के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है, 46, और हमारे मम्मी जी के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है, 46। तो अब आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर यहाँ पे मियोसिस नहीं होता, कहाँ पे, यहाँ पे, तो इनके अंदर स्पर्म बनाने के टाइम और यहाँ पे एग बनाने के टाइम, मतलब गैमेट्स बनाने के टाइम अगर मियोसिस नहीं होता और डिवीजन अगर माइटोसिस होता तो क्या होता, तो ये होता कि स्पर्म के अंदर और क्रोमोसोम एग के अंदर भी क्रोमोसोम्स कितने होते, 46 होते, और जिनके फ्यूजन से क्या होता, जिनके फ्यूजन से ये होता कि बच्चा जो पैदा होगा उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर 92 हो जाता। और सोचो कि ये 92 वाला बंदा किसी और लड़की से शादी करता है जिसके पास भी क्रोमोसोम 92 है, अब इसके स्पर्म के अंदर भी क्रोमोसोम 92 है और इस लड़की के एग के अंदर क्रोमोसोम भी 92 है, अगर मियोसिस नहीं होता तो क्या होता, तो इस केस में यहाँ पे कितना हो गया, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा बदतमीजी हो रही है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर 184 हो गया, तो ये जो 184 वाला है क्या ये ह्यूमन है, नहीं ना, हर एक स्पीसीज के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर क्या रहता है, फिक्स। तो इसको फिक्स रखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो ये फिक्स रखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है मियोसिस की। कैसे, तो अब जब गैमेट्स बनेंगे तो क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाएगा, और फिर हाफ और हाफ मिलके वापस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो हम बोलेंगे मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस,
टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर इन अ स्पीसीज. क्या बोला मैंने, क्या बोला, सिग्निफिकेंस बोलो 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 बोलो. पहला हो जाएगा इसका क्या, टू मेंटेन, टू मेंटेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पीसीज. समझ आया पक्का? अब दूसरा देखो, जब मियोसिस होगा तो गैमेट्स बनते हैं, और जब गैमेट्स बनते हैं तो एक फिर गैमेट्स के फ्यूजन से एक नया बेबी बनता है. तो हम जैसे है ना, तो हमारे पास क्रोमोसोम मम्मी से भी आए हैं, पापा से भी आए हैं, तो उस टाइम हमारे अंदर क्या हो गया, नया एक करेक्टर डेवलप होता है. तो हम ना तो पापा जैसे हैं, ना हम मम्मी जैसे हैं, हम थोड़े अलग हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज वेरिएशन. तो ये वेरिएशन क्रिएट करना किसका काम होता है, ये वेरिएशन क्रिएट करना काम होता है मियोसिस का. तो मैडम इसके वेरिएशन से फायदा क्या है, इवोल्यूशन, एडेप्टेशन में हेल्प करना है ना. ये मैं आपको ट्वेल्थ में और ज्यादा अच्छे से क्लियर करूंगी कैसे. ठीक है, तो अभी ध्यान रखना. तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से वेरिएशन जो होते हैं वो स्पीसीज में बढ़ते हैं, और वेरिएशन बढ़ने से स्पीसीज के अंदर एडेप्टेशन बढ़ता है ना. तो एडेप्टेशन बढ़ने से क्या होता है, उसके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं. तो एक्सटिंक्ट होने के चांसेस क्या होंगे, कम हो गए. और वेरिएशन होने से एक नई स्पीसीज का इवोल्यूशन भी हो सकता है. कैसे, जैसे हमारे पापा दादा दादी से अलग है, फिर हम और अलग हो गए, फिर हमारे जो बच्चे होंगे वो और अलग होंगे, उनके बच्चे और अलग होंगे, उनके बच्चे थोड़े और अलग होंगे, उनके बच्चे और अलग होंगे, और क्या पता कौन जाने 1000 साल बाद में हमारी एक नया स्पीसीज इवॉल्व हो जाएगा. तो ये इसका रीजन कौन है, इसका रीजन हम ये क्रेडिट देंगे किसको, मियोसिस को. समझ आ गया? और ये जो मियोसिस होता है ये कहां पे होता है, तो अभी तो शायद आप एक ही चीज जानते हो कि गैमेट्स बनाने के टाइम क्या होता है, मियोसिस. तो इसका मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन परफॉर्म करता है, मियोसिस परफॉर्म करता है. अब आ जाते हैं माइटोसिस पे. तो अब माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या जरूरत क्या है इसकी, मियोसिस माइटोसिस की क्यों चाहिए हमको माइटोसिस. तो पहली चीज तो स्पर्म और एग बनते हैं, और फिर उनका फ्यूजन हो जाता है, उनके फ्यूजन से जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से एक बच्चा बनता है, और फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है. तो जायगोट के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 46, एम्ब्रियो के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 46, और जो बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद जब उसकी ग्रोथ हो जाएगी, तो अब हमारे अंदर ईच एंड एवरी सेल्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 46. तो 46 से लेकर सारे सेल्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर भी 46. तो ये इक्वल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो ये इक्वल इक्वलिटी है ना, मेंटेन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है माइटोसिस की. तो इसका मतलब माइटोसिस कहां पे होता है, तो ये होता है एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम, एम्ब्रियो बनाने के टाइम, इवन चाहे प्लांट हो या फिर कोई एनिमल हो, तो उसके अंदर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ में भी क्या होगा, माइटोसिस. थर्ड, जब आपको चोट लगती है, तो चोट लगने पर वहां पे हीलिंग हो जाती है, तो ये हीलिंग में भी कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, तो यहाँ पे हीलिंग के अंदर भी माइटोसिस रेस्पॉन्सिबल होगा. ऐसा तो नहीं होता है ना कि हीलिंग के टाइम जो नई सेल्स बनती है उनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो गया, होता है क्या, नहीं ना. चलो, उसके अलावा हमारे पास एक होती है छिपकली, लिजर्ड. तो छिपकली की जब पूंछ टूट जाती है तो वापस आ जाती है, तो वो क्या हो गया, दिस इज रीजनरेशन. ये क्या हो जाएगा, रीजनरेशन. तो ये भी किसकी वजह से होता है, माइटोसिस की वजह से.
और अगर मैं बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा ओनली माइटोटिक डिवीजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली पार्टिसिपेट करता है माइटोटिक डिवीजन, सो दैट्स व्हाई माइटोटिक डिवीजन में वेरिएशन नहीं होता है। क्लियर? तो उसकी वजह से माइटोसिस से हमेशा चीजें सेम टू सेम रहती है, सेम सेम से साइज सेम, क्रोमोसोम्स का नंबर सेम, और कोई वेरिएशन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जेनेटिकली वो भी सेम हो जाएगी, बट यहाँ पे मियोसिस के अंदर काफी चेंजेस आएंगे, और इस एक चेंजेस का रीजन होता है क्रॉसिंग ओवर, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको सिर्फ क्या पढ़ाया है, मैंने आपको सिर्फ अभी इंट्रोड्यूस किया है टाइप ऑफ सेल डिविजन्स। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। ए माइटोसिस हो गया खत्म, इतना ही पढ़ना था, ये लो बस। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमें यूकैरियोटिक सेल डिवीजन के बारे में डिस्कस करना है, तो माइटोसिस और मियोसिस के बारे में डिस्कस करना है। क्लियर? तो फटाफट वीडियो पॉज करो और इसकी पहले प्रैक्टिस करो, फिर नोट्स बिल्कुल लास्ट में बनाना। ठीक है, चलो। तो इसके बाद मैं आपको ज्यादा कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाती हूँ, आज आपको मैं माइटोसिस में शुरू करवा देती हूँ। अच्छा, एनसीईआरटी जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें चैप्टर नंबर 10 का पेज नंबर 1 आप नहीं पढ़ेंगे और पेज नंबर 2 भी आप लोग नहीं पढ़ेंगे। और हाँ, जिनको सेल डिवीजन का मॉड्यूल नहीं मिला है, प्लीज कॉन्टेक्ट टू रेखा मैडम, मैम को आप कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी पॉसिबली मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सेल डिवीजन वाला चैप्टर प्रोवाइड कर दिया है। चलो, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, माइटोसिस के बारे में। तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि माइटोसिस कौन सी सेल्स के अंदर होता है। माइटोसिस के अंदर जो डॉटर सेल्स बनेगी वहां पे क्रोमोसोम्स का नंबर भी सेम रहेगा, साइज भी सेम रहेगा, और कोई वेरिएशन भी नहीं आता। ठीक है, चल, अब माइटोसिस आपको पढ़ना कैसे है, तो वो हमने पढ़ा था कुछ ऐसे, कैसे ऐसे। और आप चैप्टर जहां पे शुरू हो रहा है ना, वहां पे कुछ चेक पॉइंट भी दिए हुए हैं, वो भी आपको अभी नहीं पढ़ना है। वहां पे 2N 4C 2C ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है, वो भी अभी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी मैं पढ़ा दूंगी बट आपको समझ आएगा नहीं। तो आज मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगी क्या, इसके अंदर पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग ग्रोथ फेज। बस आज के लिए हम लोग सिर्फ ग्रोथ फेज के बारे में पढ़ेंगे। सो टेक्निकली ग्रोथ फेज में क्या होता है कि ये जो सेल होती है ये अपना साइज जो होती है वो डबल कर लेती है। डबल क्यों? क्योंकि डबल सेल को डिवाइड करने पर इसकी सेम साइज की दो सेल बन जाएगी, कॉमन सेंस। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ग्रोथ फेज होता है इसके अंदर भी टोटल 3 फेजेस होते हैं। इंटरफेज क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, रुक जाओ, चलो मैं लिख ही देती हूँ। तो ये जो ग्रोथ फेज होता है इसको बोला जाता है इंटरफेज, बाद में बताऊंगी क्यों। तो अभी सुनो, तो ग्रोथ फेज में सेल क्या करती है, ग्रोथ करती है ना। तो इसके अंदर भी आता है एक G1 फेज, फिर आता है S फेज, और एक आता है इसके अंदर G2 फेज। अब इसमें फेजेस का मतलब क्या है और इन फेजेस का काम क्या है, तो होता क्या है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे बच्चे को अगर मैं G1 फेज का फुल फॉर्म पूछूं तो आंसर क्या देंगे, मोस्ट ऑफ बच्चे आंसर देते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज, और इसको बोलते हैं सेकंड ग्रोथ फेज। टोटली रॉन्ग, गलत। इसका फुल फॉर्म होता है दिस इज फर्स्ट गैप फेज, और इसको बोला जाएगा क्या,
गैप पे सेकंड, तो ये जी इंडिकेट फॉर गैप नॉट ग्रोथ, इस गैप में होता है ग्रोथ, ठीक है। और यहां पे एस फेज क्या होता है, दिस इज सिंथेसिस फेज, और सिंथेसिस मतलब यहां पे डीएनए का सिंथेसिस होता है। मैं एक्सप्लेन करती हूं। अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले ये एक सेल थी और इस सेल के अंदर स्टार्ट हुआ एस फेज। अब एस फेज का मतलब होता है कि इसका डीएनए रेप्लिकेट हो गया। उसके बाद सेल के अंदर शुरू होगा एम फेज, और एम फेज का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन, जहां पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है, ठीक है। तो इससे पहले बिल्कुल शुरू में, बिल्कुल शुरू से शुरू में जो सेल थी वो कौन सी कंडीशन में थी, रेस्टिंग कंडीशन, पक्का। तो सेल के अंदर रेस्टिंग कंडीशन और ये जो सिंथेटिक फेज होगा, इसके बीच का जो गैप होता है, इस गैप को आप बोलते हो फर्स्ट गैप फेज। और इस फर्स्ट गैप फेज के अंदर सेल मैक्सिमम ग्रोथ करता है, ठीक है। फिर ये क्या है, दिस इज एस फेज, और एस फेज के बाद हम लोग यहां पे पढ़ेंगे न्यूक्लियर डिवीजन। तो एस फेज और न्यूक्लियर डिवीजन के बीच का जो गैप है, ठीक है, उस गैप को हम बोलते हैं यहां पे सेकंड गैप टू, जी टू, या फिर सेकंड गैप फेज। और इस गैप में भी सेल क्या करती है, ग्रोथ करती है। तो आई थिंक आपको गैप के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। तो आज आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ना और ना ही मॉड्यूल पढ़ना, क्योंकि आपको ज्यादा टॉपिक अभी मैंने कंप्लीट किया है नहीं, तो समझ आएगा भी नहीं, ठीक है। तो दिस इज न्यूक्लियर फेज, न्यूक्लियर डिवीजन, एंड दिस इज साइटोकाइनेसिस। तो आप लोग जब ये नोट्स बनाएंगे तो मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। आप लोग जो कॉपी होती है ना, कैसे बताओ, कैसे बताओ, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी पास आपका कॉपी रजिस्टर्ड है, इस रजिस्टर को आप ऐसे खोलेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे गैप ग्रोथ फेज, जी वन फेज, एस फेज, जी टू फेज, बीच में लिखेंगे न्यूक्लियर डिवीजन, यहां लिखेंगे प्रोफेज, यहां लिखेंगे मेटाफेज, यहां लिखेंगे एनाफेज, यहां लिखेंगे टेलोफेज, और लास्ट में आप लोग लिखेंगे साइटोकाइनेसिस, जिसमें यहां पे आप सेल फरो लिखेंगे और सेल प्लेट लिखेंगे। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, आपको पूरा सेल डिवीजन एक साथ दिखाई देगा, ठीक है। तो अलग अलग पेज पे नहीं बनाने का, फिर नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ते हैं जीवन फेज। तो जीवन फेज के अंदर जो सेल होती है वो क्या करती है, मैक्सिमम ग्रोथ करती है। अब ग्रोथ करने का मतलब क्या है, कि इसका जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या हो रहा है, ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है। अब वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, अब ये वॉल्यूम कब इंक्रीज हो सकता है, जब सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें एंटर करे। इस ड्यूरेशन के अंदर सेल की परमेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन दिख रही है ना, तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर अब मैक्सिमम वाटर एंटर होगा, यहाँ पे बहुत सारे आयन्स यहाँ पे एंटर होंगे, बहुत सारे अमाइनो एसिड एंटर होगा, बहुत सारा शुगर एंटर होगा। तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो उसकी वजह से साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब वॉल्यूम क्या होता है, क्वांटिटी होती है या क्वालिटी, बोलो बोलो, क्वालिटी होता है या क्वांटिटी होता है, तो क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बट साइड बाय साइड इसकी क्वालिटी भी इंक्रीज होती है। तो ध्यान रखिएगा, साइटोप्लाज्म का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो रहा है। ये क्वांटिटी तो हमें समझ आ गया कि उसका अमाउंट और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बट क्वालिटी का मतलब क्या है,
क्वालिटी का मतलब उसके साइटोप्लाज्म के अंदर खूब सारा प्रोटीन बनेगा, खूब सारा कार्बोहाइड्रेट होगा, खूब सारा लिपिड होगा, उसमें खूब सारे मिनरल्स होंगे, खूब सारा शुगर होगा। तो इस तरह से उसका क्वालिटी क्या हो रहा है, क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, यहां लिख देते हैं, तो परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और साथ में हम बोलेंगे कि यहाँ पे प्रोटीन का, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का, इन सब का क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। तो इनका सबका खूब सारा क्या होगा, सिंथेसिस होगा। इसके अलावा यहाँ पे अब नई सेल बनानी है, तो उसको बनाने के लिए आपको ऑर्गेनेली की भी जरूरत पड़ेगी। तो सारी मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेली एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होता है G2 फेज के अंदर। तो इन तीन को छोड़कर बाकी सारी ऑर्गेनेली, मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेली। तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज जो है वो डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मतलब डबल। तो ये डुप्लीकेट कहां पे होती है, ये होती है G1 फेज के अंदर। और G1 फेज के अंदर एक और काम होता है, ये काम होता है S फेज की तैयारी। तो G2 फेज के अंदर क्या किया जाएगा, S फेज की तैयारी की जाएगी। और S फेज की तैयारी का क्या मतलब होता है, S फेज का मतलब होता है कि अब यहाँ पे DNA से DNA बनेगा। तो कितने DNA हो गए, 2 DNA हो गए। और DNA बना किसका होता है, न्यूक्लियोटाइड का। कोई बात नहीं, अभी आप इसको याद कर लो कि जैसे प्रोटीन अमाइनो एसिड के बने होते हैं ना, वैसा ही DNA बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। तो यहां पे आपको बनाना होगा DNA। DNA बनाने के लिए आपको जरूरत होती है न्यूक्लियोटाइड की। तो ये जरूरत कहां पे तैयारी की जाएगी, G1 फेज के अंदर। तो यहाँ पे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ यहाँ पे अब न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होगा। या फिर आप सिंपली ऐसा बोल दो कि S फेज की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, इन रिक्वायरमेंट की तैयारी होगी कहाँ पे, G1 फेज के अंदर। और इस तरीके से G1 फेज खत्म हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं S फेज में, जिसमें आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, नहीं 3 चीजें याद रखनी है। एक आप लोग याद रखना कि यहाँ पे DNA से DNA बनना क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन। DNA से DNA बनना रेप्लिकेशन, एक काम ये होता है। और DNA की कॉइलिंग कौन करता है, तो आपने पढ़ा होगा कि DNA की कॉइलिंग यूकेरियोट्स के अंदर करता है हिस्टोन प्रोटीन। मैं इसको हटा देती हूँ, पॉइंट ये काम का नहीं है आपका, चलो फालतू कंफ्यूजन होगा। तो अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, DNA। और अब जब सेल डिवीजन करना होगा तो हमें बनाना होगा स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है सेंट्रियोल, ऐसे। तो अब मुझे बताओ कि सेंट्रियोल हमारे पास होता कितना है, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम हमारे पास एक ही होता है, बट हमें जरूरत कितनी है, 2 सेंट्रोसोम की जरूरत है। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रोसोम होता है ये भी डिवाइड होगा, तो अब कितने सेंट्रोसोम बन गए, अब यहाँ पे बन जाएंगे 2 सेंट्रोसोम। तो यानी हम लोग बोलेंगे कि S फेज के अंदर जहां पे न्यूक्लियस के अंदर DNA डबल हो रहा है, वैसा ही साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल भी डबल हो रहा है। तो यहाँ पे S फेज के अंदर 2 काम होते हैं, DNA रेप्लिकेशन और दूसरा काम होता है सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। अब रेप्लिकेशन टर्म हम लोग इसके लिए यूज कर चुके हैं, तो ये शब्द हम किसी और को नहीं देंगे। तो अब सेंट्रियोल को हम बोलते हैं क्या, डुप्लीकेशन, ठीक है। तो आई थिंक आज की क्लासेस इतनी सफिशिएंट है।
तो मैंने आपको सिर्फ दो ही चीजें बताई है, एक मैंने आपको जीवन फेज पढ़ाया है और दूसरा एस फेज पढ़ाया है। तो अभी आप ना तो एनसीईआरटी पढ़ना ना आप लोग मॉड्यूल पढ़ना, अगर पढ़ो तो सिर्फ दो ही चीज पढ़ना, जीवन फेज एस फेज, क्योंकि बाकी अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। चलो फिर, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको माइटोसिस पूरा कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, चलो फिर। और ये चैप्टर मैं लिटरली बता रही हूँ बहुत ज्यादा ही छोटा चैप्टर है, बताऊंगी कैसे, शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास एक। ठीक है, चलो पक्का, फिर टाटा बाय बाय, जय हिंद। सबसे इंपॉर्टेंट, स्माइल करते जाओ।